हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। सो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पर कहाँ आई हूँ। सो हम आए हैं स्टेकेशन पर, और यू नो एज़ यू गाइज नो दैट हम ट्रैवल कर रहे थे, तो थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना बनता है। सो हमने सोचा कि हम टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं स्टेकेशन के लिए जाते हैं, और राज की गोल्डन बटन की अनबॉक्सिंग भी करनी है, सो उसे भी हम करेंगे। सो मैं थोड़ी सी ग्लिम्स आपको ये वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, बट आपको पूरा ब्लॉग राज के चैनल पे देखने मिलेगा। यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे मैं बहुत सारे पिक्चर्स लेने वाली हूँ। पीछे सी भी है, एंड जो आवाज़ आ रही है लहरों की, बहुत सूदिंग लग रहा है। एंड द नेचर ओवर हियर इज सुपर्ब। द प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो ह्यूज, तो मैं बहुत सारे पिक्चर्स लेने वाली हूँ। एंड या सो मैं रेडी होने वाली हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ ये सब ब्लॉग में बताऊँगी आपको, तो स्टे ट्यून्ड। ह्यूमिडिटी काफ़ी है, तो मैंने अपने बाल टाई कर लिए, बिकॉज पसीने से मेरे बाल भी बहुत ख़राब हो रहे हैं। लुक एट द व्यू गाइज, आई एम इन लव विद दिस यार। ओके सो वी हैव फाइनली चेक्ड इन, एंड राज अपना यहाँ पर मेकअप कर रहा है। यस, वन सेकेंड, मैं फ्रंट कैमरा रोल कर देती हूँ। बैक कैमरा। ओके सो फाइनली बैक कैमरा। व्हाट आर यू डूइंग राज? सीइंग माय सेल्फ। OMG, बाय द वे गाइस, राज अपना मेकअप खुद करना पसंद करता है, एंड ही डज गुड लाइट मेकअप यार। आई डू बल्क मेकअप आल्सो बाय द वे। चल अब जल्दी रेडी हो, मुझे भी रेडी होना है, एंड जल्दी जल्दी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर पिक्चर्स भी क्लिक करनी है। इतना जल्दी ठीक? अरे यार जल्दी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये सर ना जल्दी जल्दी कर, ये इस तरह से मुझे परेशान कर रहा है। लाइट जा रही है यार, जल्दी कर यार, फिर लाइट नहीं मिलेगी। लाइट तो है, इतनी सारी लाइट है। आई मीन टू से नेचुरल लाइट, पीछे लाइट ही नहीं आ रही। अरे वेट ना, मैं रेडी था ना, रेडी। ओके सो मैं जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ, और अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ। मैंने ब्राउन कलर का गाउन सिलेक्ट किया है। ओ ब्राउन मुन्ने, ब्राउन कलर का गाउन पहनने वाली हूँ मैं। ब्राउन गाउन मुन्ने, ओ ब्राउन मुन्ने, व्हाटएवर। ओके मैंने आउटफिट पहन लिया है, मैं आपको पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। नाउ आई एम गेटिंग रेडी बहुत फास्ट, बिकॉज नेचुरल लाइट है वो जो डाउन हो रही है, तो प्रॉपरली सेटअप राज को नहीं मिल पाएगा, सो ही इज चेकिंग द फ्रेम। मीन टाइम मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, एंड या विल कंटिन्यू द सेलिब्रेशन, सो वेट फॉर इट। ओके सो आई एम फाइनली रेडी। सो एक्चुअली यहाँ पर फुल मिरर नहीं है, बट है एक्चुअली, बट वो पूरा नहीं आ पा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके परफेक्ट, 3, 2, 1। लव यू ऑल एंड माय चैनल आल्सो, और हम जल्दी 100K की पार्टी करेंगे। देखो खुद का प्रमोशन कर दिया, खुद का प्रमोशन कर दिया। अनबॉक्सिंग करने के बाद हम आ गए नीचे, यहाँ पर काफी अच्छा वेदर हो चुका है। राज को कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी थी, वो ये रहा, यहाँ पर अपने पोजेस दे रहा है। राज कितनी सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई? कितनी पिक्चर्स क्लिक करवाई? पहली बार तो परमिशन लिया आपने किससे? आप हमें शूट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सॉरी सर, थैंक यू। वापस क्यों आई, क्यों बोला? देखो रुका मैंने। सच्ची सच्ची बताना कितनी पिक्चर्स क्लिक करवाई? बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाता है गाइस, हर एक एंगल से। बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाई है, इनफैक्ट मैंने खाना नहीं खाया प्रॉपर। प्रॉपर क्या मतलब, खाना ही नहीं खाया बिल्कुल भी, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली शूटिंग। अनबॉक्स हुआ पहले गोल्डन प्ले बटन, आफ्टर दैट चेंज किए क्लोथ, फ्रेशन अप हुआ, वापस कुछ रील शूट किए, फोटोज़ क्लिक किए, वापस फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, उसके बाद भी और भी फोटोज़ क्लिक करवाएंगे, और भी ज़्यादा रील्स बनाएंगे। तो यस ये सब चलता रहेगा, लेकिन स्टेकेशन नहीं वर्केशन हो गया काइंड ऑफ एक्चुअली। और मेरी एक भी पिक्चर्स अभी तक नहीं क्लिक की है। आपका लुकआउट है। ओके कौन हो आप? बाय। तो
अनबॉक्सिंग के बाद मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई, राज ने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई और मैं बहुत टायर्ड थी तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया. मैं जस्ट फ्रेशन अप हुई एंड आई जस्ट हैड माई डिनर एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड आई एम हैविंग डोसा. मैं और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करूँगी, यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है. आई कम्प्लीट माई ब्रेकफास्ट एंड देन मैं कंटिन्यू करूँगी ये ब्लॉग को. सो स्टे ट्यून्ड. तो मैं यहाँ नीचे पिक्चर्स लेने आई थी और मौसम बदल चुका है. एज यू कैन सी इट स्टार्टेड रेनिंग और मैं पूरी भीग भी चुकी हूँ और मेरे बाल भी ख़राब हो चुके हैं. मैंने स्ट्रेट किए थे बाल को बट ऑल थैंक्स टू रेन पूरे बाल मेरे तहस नहस हो चुके हैं. बट एनीवेज ये मौसम को एंजॉय करने का भी अपना ही मज़ा है. सो आई एम एंजॉयिंग दिस. मुझे भीगने का मन तो कर रहा है बट हाँ मैंने एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी लाया. एक्चुअली मैं भीग सकती हूँ बट मुझे नहीं भीगना है अभी. ऐसे ही मौसम को एंजॉय करना है एंड विच आई एम एंजॉयिंग द मोस्ट. सो या सो माई स्टेकेशन इज ओवर एंड आई एम हेडिंग बैक टू होम. स्टेकेशन बहुत ही अच्छा था, रिलैक्सिंग था, थोड़ा काम था बट कोई बात नहीं. क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, फोटोज़ क्लिक किए, वीडियोज़ बनाए तो काफ़ी मज़ा आया. एंड या दैट इज़ इट. शॉर्ट वीडियो मुझे बनाना था, राज के 1 मिलियन हो चुके थे, सेलिब्रेशंस बाकी थे, गोल्डन बटन आ गया था. सो सारा कुछ उसके चैनल पर आने वाला है. And yeah, just wanted to share this small vlog with you guys. So I'll see you in the next video. Till then, don't forget to subscribe to my channel and take care of yourself. Bye.